प्रेरणा कथा। सोचिए और निर्णय करिए। एक सुबह एक पिता और उसकी 10 वर्ष की पुत्री एक पार्क में घूम रहे थे। पार्क में और भी बहुत से लोग सुबह की सैर के लिए आए हुए थे। अचानक एक सेब बेचने वाला दिखा। बेटी को सेब खाने की इच्छा हुई। उसने अपने पिता की तरफ देखा। पिता सुबह सुबह पैसे लेकर घर से नहीं निकले थे, पर जब उसने जेब में देखा तो कुछ पैसे मिल गए। पिता ने 2 सेब खरीदकर अपनी बेटी को दे दिए। बेटी ने दोनों हाथों में एक एक सेब पकड़ लिया। पिता ने उसको पूछा कि क्या वो अपने पिता को भी एक सेब दे सकती थी। बेटी ने तुरंत ही एक सेब को मुंह से काट लिया। इससे पहले कि उसका पिता कुछ कहता, उसने दूसरा सेब भी मुंह से काट लिया। पिता को बहुत ही निराशा हुई। वो सोचने लगा कि उसकी बेटी इतनी लालची कैसे हो गई। पिता अपने विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था कि शायद माता पिता के पालन पोषण के तरीके में ही कोई कमी रह गई थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि अभी उसकी बेटी बहुत छोटी थी और उसको ये नहीं मालूम था कि बांटकर खाना चाहिए। पिता कुछ गंभीर हो गया। अचानक उसकी बेटी ने कहा, पिताजी आप ये वाला सेब ले लीजिए, ये वाला ज्यादा मीठा है और ज्यादा रसीला है। बेटी ने एक चखा हुआ सेब अपने पिता को दे दिया। पिता को बहुत ही ग्लानि हुई, क्योंकि उसने बहुत जल्दी वो निष्कर्ष निकाल दिया था। पिता को उसकी बेटी से बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया था। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी बेटी उसको ज्यादा मीठा और ज्यादा रसीला सेब देना चाहती थी। मित्रों, हमें कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज को देखने के बाद थोड़ा समय लेना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। सोच समझ कर निकाले गए निष्कर्ष अधिकांशतः सही होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।